हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी एक्सप्रेस। बहुत सारी मूवीज़ के बारे में बात करेंगे। द वॉरियर जो कि तेलुगु मूवी है, फिर उसके बाद द हिट द फर्स्ट केस जो कि रीमेक है तेलुगु मूवी का ही एक, फिर शाबाश मिथू के बारे में भी बात करेंगे, रॉकेटरी, थॉर 4 भी चलो कवर कर लेते हैं, और फिर खुदा हाफिज़ 2 भी कवर करेंगे। और ये सारी मूवीज़ का एक एक करके डिस्क्रिप्शन देते हैं, पर पहले उन मूवीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी थी। एक हफ़्ता हो गया है, तो डे 8 में खुदा हाफिज़ 2 का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है। करीबन 80 लाख रुपये वो ऐड करेगी अपने 11.2 करोड़ रुपीज़ के टोटल के अंदर, तो टोटल हो जाएगा 12 करोड़ रुपये। सिर्फ इतना ही है, लोगों ने सिर्फ फेक जो है साथ निभाया विद्युत जामवाल का, उसके बाद उसका साथ नहीं निभाया बेचारे का, तो बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं अच्छे निकले। उसके बाद थॉर 4 का जो डे 9 का जो कलेक्शन है वो लगभग होने वाला है 2.5 करोड़ रुपए, और कल जो क्लोज किया था वो था 82, तो 82.4 या 5 ऐसे करके कुछ फिगर आएगा। 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा ये ग्रॉस लेवल पे ये क्रॉस कर चुकी है, तो 103 के आसपास ये ग्रॉस लेवल पे क्लोज करेगी। रॉकेटरी का डे 14 भी जो है मिनिस्कुल मुश्किल से 1 करोड़ रुपये ऐड होगा, कल 20 क्लोज किया था, आज 21 करोड़ होगा, और ग्रॉस लेवल पे 30 करोड़ रुपीज़ ये हो जाएगी। ये लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन ही रही है, खुदा हाफिज़ भी लॉस मेकिंग की प्रोपोजिशन रही है। और विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम द वॉरियर की भी बात कर लेते हैं। इसका डे 2 का जो कलेक्शन है लगभग 6 करोड़ है, कल 7.5 करोड़ रुपीज़ हुआ था, 6 करोड़ रुपये और ऐड होके लगभग 13.5 करोड़ रुपीज़ के पास ये एंड करेगी। इसके मिक्स से कुछ रिएक्शन आए हैं, मैंने अभी तक देखी नहीं है, मैं सैटरडे संडे में इसको देखने की कोशिश करूँगा, फिर अपना रिएक्शन आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके अलावा जो दो नई रिलीजेज़ हैं उसके बारे में भी फटाफट से बात कर लेते हैं। हिट द फर्स्ट केस का जो डे 1 का रिएक्शन है, लोगों ने इसको रिजेक्ट कर लिया जस्ट बिकॉज इट इज़ अ रीमेक, बट इतनी बुरी ये मूवी नहीं है। अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत तो स्वाद इसके अंदर आएगा ही, लेकिन 1.4 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसका नेट कलेक्शन रहेगा, ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर पाएगी। और वही हाल है शाबाश मिथू का, जो कि एक बायोपिक है मिथाली राज के ऊपर। हालांकि स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है, लेकिन मूवी कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत मैसेजिंग वाली मूवी है। ये क्लोज करेगी 1.3 करोड़ रुपीज़ के ऊपर। तो ये था ब्यौरा, आपको मैंने फटाफट से बता दिया विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, और यही आप लोग मेरे से एक्सपेक्ट करते हो यार जल्दी जल्दी बता दो, फिर आसपास की इधर उधर की बातें मत करो कि मोटा मोटा नंबर क्या है, क्या ग्रॉस है, क्या नेट है, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि मूवी का परफॉर्मेंस थिएटर्स के अंदर किस तरीके का चल रहा है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।